ओके अस्सलाम वालेकुम। सो एक इशू है यहाँ पे जो बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, उसके मैं अभी सोल्यूशन बता देता हूँ। सो यहाँ पे जब हम कोर्सेज ऐड करते हैं स्प्रिंग और फॉल सेशंस के लिए, तो अब उन्होंने सिस्टम अपडेट किए तो देर इज़ एन इशू। वो क्या है, मसलन यहाँ पे मैं जाता हूँ, सो ये आपके अगर देख सक देख सके तो हमारे पास है मुख्तलिफ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है। ये जो अभी मैंने एक ऐड किया वो है, अगर अगर मैं इसके आपको ऐड न्यू कोर्स करना हो तो हाउ इट विल वर्क। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास आता है ऐड न्यू कोर्स, तो ऐड न्यू कोर्स में मिसाल के तौर पे मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रह रहा हूँ ऐड न्यू कोर्स, तो यहाँ पे मसलन मैं कहता हूँ डेटा एनालिटिक्स लैब सेमेस्टर 6 सेक्शंस 2। अच्छा यहाँ पे कुछ टीचर्स के नाम शो नहीं हो रहे, जैसा करीमुल्ला की मैं अगर सर्च करता हूँ यहाँ पे नहीं हो रहा, कुछ टीचर्स की अब शो हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे एसएन दीप साहब और बाकी। अच्छा फर्क क्या है, तो इस फर्क ये है कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अपडेट किया सिस्टम को, उस वजह से हमने जो फैकल्टी डायरेक्टरी में जाके इसको पहले अपडेट करना था। जैसे करीमुल्ला साहब का नाम यहाँ पे सर्चेबल नहीं है, तो लेट्स मूव टू द फैकल्टी डायरेक्टरी हेयर। फैकल्टी डायरेक्टरी में जब जाएंगे आप यहाँ पे, तो अब ये फैकल्टी डायरेक्टरी में है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर करीमुल्ला साहब, तो इनका यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं शो रहा, क्योंकि इन्होंने सिस्टम को अपडेट किया है। यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे जाएंगे, तो आप छोटा सा काम करना है कि यहाँ पे जो इनकी डेजिग्नेशन है इसमें एडिट का ऑप्शन है, इसमें इस लेटेस्ट को बस चेक चेक करना है और सेव कर लेना है। तो एज सुन एज आप ये करेंगे, तो अब आप जब उस एप्लीकेशन पे आएंगे तो ये शो होगा। तो आप देखें ये अब शो हो रहा है। सो ये इस तरह से काम करेगा, अदरवाइज आपको बार बार बहुत सारी जो ना प्रॉब्लम आती रहेगी। सो होप आई होप कि बहुत सारे लोगों का जो इशू आ रहा था इस रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा।